नमस्कार, मैं हूँ माया। माया इज परफेक्ट रसोई में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू की सब्जी। ये एकदम चटपटी सब्जी बनेगी। मैंने इसको बॉईल कर लिया था, अभी मैंने इसके छिलके निकाल दिए हैं और अब इसको हम फोर्क की सहायता से इसके हल्के हल्के ऐसे छेद करेंगे। अब हम इसमें सब आलू में हल्के हल्के छेद कर दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी हल्दी। इसको हम अब मिक्स करेंगे, ये सारा मसाला आलू के लिपट जाए। हमने अब पैन रख दिया है, इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम एक एक करके सारे आलू इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। अब ये हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे, तब तक हम इनको अब जो हमने आलू फ्राई कर रहे हैं वो उनको उल्ट पुल्ट करते रहेंगे कि नीचे ये चिपके नहीं। और ये आराम से ये तैयार हो रहे हैं, तो इससे पहले हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे अच्छी सी। अब हम ग्रेवी के लिए कटे हुए बड़े दो टमाटर लिए हैं और छोटे छोटे कटे हुए दो प्याज लिए हैं और कटी हुई दो अदरक की कली लिए हैं और पांच या छह के लगभग हमने काजू लिए हैं, एक हरी मिर्च लिए कटी हुई और हमने लहसुन लिया है। अब इसकी हम अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे। इसमें हम टमाटर डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, काजू डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह पीस लेंगे। हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी वो तैयार हो गई है और कद्दूकस किए हुए प्याज हैं। अब चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे आलू ब्राउन हो गए हैं क्या। हमारे आलू अब हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमने आलू निकाल दिए हैं और थोड़ा सा तेल इसमें बचा हुआ है, तो हम इसमें ही दो बड़े चम्मच तेल और डाल देंगे। हम दम आलू सब्जी बनाने के लिए हमने खड़े मसाले लिए हैं, दो हमने साबुत लाल मिर्च ली है, तेज पत्ते लिए हैं, दो इलायची ली है, दो लौंग लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो इसमें सब मिक्स कर देंगे और इनको हम अच्छी तरह पकने देंगे। अब ये तैयार है, इसमें हम अब कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको मिलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब प्याज अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं, एकदम ब्राउन हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक, पहले आधा चम्मच नमक मैंने पहले आलू में लगा दिया था तब मैंने एक चम्मच नमक लिया है। एक चम्मच मैंने धनिया लिया है, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच खटाई, एक चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने एक चम्मच
गरम मसाला ऐड किया है। अब हमारी ग्रेवी तेल हल्का हल्का छोड़ने लग गई है, इसमें हम जो टमाटर की प्योरी बनाई थी वो डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाले जले ना। अब इसमें हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे। हमारे 5 मिनट पूरे हो गए, हम देखते हैं। अब देखिए हमारी ग्रेवी ने साइड से तेल छोड़ दिया है और इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ये ग्रेवी ठंडी होने के बाद टाइट हो जाएगी ये, तो इसमें हमने थोड़ा पानी और डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ग्रेवी बनी है। अब हमने जो आलू फ्राई किए थे वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। ये देखिए हमारी दम आलू की सब्जी अच्छी सी तैयार हो गई है, एकदम होटल जैसी। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। हमारे 2 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं। वाव, देखो कितना सुंदर कलर आया है ना, एकदम होटल जैसी, जैसे हलवाई बनाता है वैसी सब्जी। इसमें हम थोड़ी सी मलाई ऐड कर देंगे, इससे दम आलू की सब्जी का टेस्ट डबल हो जाएगा। आप घर पे ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखना। अब हमारी दम आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा कच्चा धनिया ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब आप देखिए हमारी दम आलू की सब्जी एकदम तैयार हो गई है। फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर देना। तैयार है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।